और ये देखिए, ये आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं श्रीनगर के लाल चौक की, जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे और यहां झंडा फहराया जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है और श्रीनगर ये यात्रा पहुंच गई है। लाल चौक से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां राहुल गांधी झंडा फहरा रहे हैं। कई बड़े नेता भी इस कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। श्रीनगर के लाल चौक पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा। देखिए राहुल गांधी का कितना बड़ा कटआउट भी यहां पर लगा है और अब झंडा फहराते हुए राहुल गांधी की ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। महराज हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। महराज क्या जानकारी आपके पास? तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं राहुल गांधी ने लाल चौक पर झंडारोहण कर दिया है। दोबारा कोशिश करेंगे महराज के साथ जुड़ने की, लेकिन देखिए श्रीनगर के लाल चौक पहुंची है भारत जोड़ो यात्रा और यहां पर राहुल गांधी ध्वजारोहण कर रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं। श्रीनगर का लाल चौक एक जमाने में कैसे देश विरोधी गतिविधियों के लिए कुख्यात था, लेकिन देखिए धीरे धीरे कैसे वक्त बदल रहा है। 370 हटने के बाद से अब लाल चौक पर किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि झंडा इस तरीके से फहराया जा सकता है। भारी सुरक्षा के बीच राहुल गांधी झंडा फहराते हुए, प्रत्युष हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। प्रत्युष तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे हैं श्रीनगर के लाल चौक और वहां पर झंडा फहरा रहे हैं। जब वो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रही हैं जहां पर लाल चौक में जहां राहुल गांधी झंडा फहरा रहे हैं, पहले इनका कार्यक्रम था कि वो कांग्रेस के दफ्तर में जो कि लाल चौक में ही है वहां पर वो झंडा फहराएंगे, लेकिन कार्यक्रम में तब्दीली की गई सुबह के वक्त और ये तय किया गया कि लाल चौक जहां घंटाघर है वहीं पर राहुल गांधी तिरंगा फहराएंगे। हालांकि इससे पहले आपको याद होगा कि जो जम्मू कश्मीर के कांग्रेस प्रभारी उनकी तरफ से कहा गया था कि हम लाल चौक पर ही घंटाघर पर ही क्यों हम तिरंगा फहराएं, ये तो बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है, हम उसके एजेंडे में हम क्यों जाएं, हम यहाँ पर तिरंगा पहले फहराते रहे, हमारा ऑफिस भी लाल चौक में इसलिए वही फहराएंगे। कल लाल चौक में जो इनका ऑफिस है वहां पर भी झंडा फहराया जाएगा, लेकिन आज राहुल गांधी यहाँ पर, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ से वो निकल करके लाल चौक पहुंचे हैं और अच्छी खासी संख्या में, आज चूंकि आज 135वां दिन है और कह सकते हैं कि जो पद यात्रा है उसका समापन आज हो रहा है श्रीनगर में, 135 दिन की यात्रा और अच्छी खासी। आसपास की जरा तस्वीरें अगर आप दिखा सकते हैं प्रत्युष, तो दिखाइए जरा इस वक्त वहां पर क्या हलचल। जी मैं इस वक्त बता दूं कि मैं इस वक्त सोनवर चौक पर हूं जो कि पंथा चौक से शुरू होकर सोनवर चौक पर यहां पर यात्रा पहुंची थी और यहां पर कुछ लोग राहुल गांधी के साथ लाल चौक की तरफ आगे बढ़ गए जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कि लगातार इस यात्रा में चल रहे थे, ये जम्मू कश्मीर में यहां पर खासतौर पर श्रीनगर में आ चुकी, 135वां दिन है और यात्रा आज समाप्त हो रही है, कल क्लोजिंग सेरेमनी होगी। क्या आपको लग रहा है हासिल हुआ इस यात्रा से? इस यात्रा से जो हिंदुस्तान में जो एक वातावरण पैदा की थी सरकार नफरत की, जो एक वातावरण पैदा हुआ था तानाशाही की, जो डर पैदा किया जा रहा है, जो महंगाई के खिलाफ जनता में आवाज है, विपक्षी पार्टी कांग्रेस, ये समझना पड़ेगा कि इसी लाल चौक से पत्थर चलाए जाते थे, आज राहुल गांधी इसी लाल चौक पर झंडा फहरा रहे हैं, ये समझने की जरूरत है कि माहौल बदला है, शांति स्थापित हुई है। जी और यही बात, इसी बात को लेकर के बीजेपी दरअसल में हमलावर थी जब ये पता चला कि राहुल गांधी घंटा घर पर उस चौक पर तिरंगा ना फहरा करके पार्टी दफ्तर में फहराएंगे और मुझे लगता है कि इसको लेकर कांग्रेस के अंदर एक मंथन हुआ, ऐसा ना हो कि बीजेपी इस मुद्दे को आगे भुनाए, इसलिए आज सुबह ये तब्दीली हुई और ये तय किया गया कि नहीं, जब राहुल गांधी लाल चौक में जा रहे हैं पार्टी दफ्तर जा रहे हैं तो क्यों ना लाल चौक घंटा घर पर ही झंडा फहराया जाए ताकि बीजेपी को फिर आगे कुछ कहने का मौका ना मिले, क्योंकि बीजेपी कह रही थी कि लाल चौक पर। देखिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, राहुल गांधी अब लाल चौक से निकल रहे हैं, तिरंगा झंडा उन्होंने लाल चौक पर फहराया है और जैसा प्रत्युष बता रहे थे कि पहले जो तय कार्यक्रम था वो ये था कल के दिन, यानी कि कांग्रेस का जो दफ्तर है लाल चौक के पास वहां पर 30 तारीख को झंडा फहराने का कार्यक्रम था, लेकिन एक तब्दीली आई, आज ही लाल चौक पर राहुल गांधी ने तिरंगा झंडा फहराया। प्रत्युष उस दौरान राहुल गांधी के साथ और कौन कौन मौजूद थे, क्योंकि जानकारी ऐसी भी थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। जी 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 प्रियंका गांधी ने कल राहुल गांधी को ज्वाइन किया था इस यात्रा में और उसके बाद वो आज भी उनके साथ हैं इस यात्रा में, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी साथ साथ चले। कल आपने देखा था कि महबूबा मुफ्ती थी, परसों आपने देखा था कि उनके साथ उमर अब्दुल्ला थे, कल लगभग 23 पार्टियों को कांग्रेस की तरफ से इनविटेशन है, कल जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी इस कार्यक्रम की
वो शेरे कश्मीर स्टेडियम में जहां पर होगी, वहां पर अब देखना है कि जम्मू कश्मीर की जो अलग अलग पार्टियां हैं वो, जिसमें ये तय है कि उमर अब्दुल्ला आएंगे, तय है कि उसमें फारूक अब्दुल्ला आएंगे, उसमें तय है कि महबूबा मुफ्ती आएंगी और कुछ पार्टियां आएंगी, सबको ये देखना है कि क्या गुलाम नबी आजाद वो शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि अगर उनसे कभी चूक हुई हो या फिर कोई भूल हुई हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। लेकिन प्रत्युष, आज का जो कार्यक्रम है झंडा फहराने का राहुल गांधी का, वो इतना लिमिटेड क्यों रखा गया? क्योंकि लाल चौक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, अगर यहाँ से तिरंगा झंडा फहराया गया तो बाकी दलों के नेता जिनके नाम आप गिना रहे हैं वो आज क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, ये कार्यक्रम इनका पहले से तय था कि इनको पार्टी दफ्तर में जाकर के वहां पर तिरंगा फहराना है। जी, पार्टी दफ्तर में जाना है, लाल चौक घंटाघर जहां पर आप देख रहे हैं तस्वीरें, जहां पर वो झंडा फहरा रहे हैं वहां पर, क्योंकि पीडीपी के कार्यकर्ता तो जरूर हमें इस पदयात्रा में शामिल नजर आए जिस दिन से महबूबा मुफ्ती ने इसे ज्वाइन किया है इस पदयात्रा को कल, और आज भी आप लोगों से जरा बातचीत भी करिए, दिखाया भी है कि कांग्रेस के झंडे के साथ साथ पीडीपी के झंडे। जी जी ठीक है, मैं यहाँ पर प्रत्युष आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा, लौट रहे हैं आपके पास। महराज अहमद हमारे सहयोगी जुड़ गए। महराज, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे अपने दर्शकों को, श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल गांधी ने झंडा फहरा दिया और वहां से अब वो निकल भी गए, आगे का क्या कार्यक्रम है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, बता दें यहाँ पे अंजलि, यही बताया जा रहा है कि अभी राहुल गांधी जो है वो ब्रेक पे चले जाएंगे, इन्हें उनका ब्रेक है और उसके बाद से कह सकते हैं कि यहाँ पे उनको संवाददाता पेलन से भी मुखातिब होना है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि उनका आज मोहब्बत और भाईचारा चलेगा। मोदी सरकार को बेरोजगारी पर, महंगाई पर, जैसे चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति है और नफरत का माहौल है, बंटवारे और विभाजन का माहौल है, सरकार को जवाबदेह होना पड़ेगा। 140 करोड़ लोग देश के प्रधानमंत्री से भी बड़े हैं, वो मोदी हो या कोई और इस देश के लोग ही इस देश का झंडा है और लाल चौक का ये तिरंगा आज ऐलान है जंग का नहीं, मोहब्बत से इस देश को फिर से जोड़ने का, देश की भारत माँ की आत्मा पर मरहम लगाने का, पर सरकार से जवाबदेही मांगने का। दीप सुरजेवाला को आप सुन रहे थे जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने यहाँ तिरंगा झंडा लाल चौक पर फहराया है जो कि प्रेम और भाईचारे का संकेत देता हुआ। महराज, अपनी जानकारी आप पूरी करिए। बिल्कुल, बता दें यहाँ पे जो आज का कार्यक्रम है वो यही है कि आज जो यात्रा है वो पूरी हो गई है, कुल मिलाकर कहे जो कन्याकुमारी से शुरू हो गई थी और घंटाघर में, हालांकि पहले इनको परमिशन नहीं दी गई थी कांग्रेस को, लेकिन आज यहाँ पे राहुल गांधी आए और कह सकते हैं कि 90 की दहाइयों के बाद, जब से मुरली मनोहर जोशी ने यहाँ पे तिरंगा फहराया था उसके बाद राहुल गांधी ऐसी बड़ी शख्सियत बन गई है जो यहाँ पे तिरंगा फहराने में जो है सफल रहे। हालांकि एडवाइजरी जो थी, जो पहले सिक्योरिटी सिनेरियो था उसके चलते पहले ये कार्यक्रम नहीं रखा गया था, लेकिन ठीक है महाराज, आप ये बड़ी दिलचस्प जानकारी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में और उसके बाद मुरली मनोहर जोशी ने, और अब कांग्रेस पार्टी जो कि सबसे पुरानी पार्टी देश की है और बड़े नेता है पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उन्होंने लाल चौक पर झंडा फहराया, ऐतिहासिक घड़ी है ये। प्रत्युष आपके पास आना चाहूंगी मैं, लोगों से बातचीत करिएगा। अभी रणदीप सुरजेवाला को हमने सुना, उन्होंने महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा गिना दिया कश्मीर से, लेकिन इस बारे में कुछ क्यों नहीं बोला कि घाटी का माहौल, कश्मीर का माहौल अब बदला है, जहां पत्थरबाजी होती थी अब वहां शांत माहौल है, जहां राहुल गांधी जैसे बड़े नेता आकर के तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। कांग्रेस जी देखिए, 1948 पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1992 आपने देखा मुरली मनोहर जोशी, वो यात्रा भी याद कीजिए कि वो 90 के दशक में यात्रा भी की शुरुआत होती है कन्याकुमारी से जो कि कश्मीर में खत्म होती है। माहौल उस वक्त अलग था क्योंकि उस वक्त यहाँ पर जो स्थिति थी कि लाल चौक पर तिरंगा फहराना मतलब बहुत बड़ी बात थी, वहाँ पर क्यों नहीं ये सवाल पूछ लिया जाए प्रत्युष आपके पीछे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे ही। तिरंगा बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी, यात्रा शुरू की, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से वो एक संदेश देना चाहते थे कि देश का प्रमुख विपक्षी पार्टी दल कांग्रेस पार्टी देश की अखंडता से जो भी खिलवाड़ करेगा कांग्रेस पार्टी उसको सहन नहीं करेगी। और आज श्रीनगर के लाल चौक पर हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने झंडा फहराकर यह दर्शा दिया है
किस देश की एकता और अखंडता पर जो भी आंख उठाकर देखेगा कांग्रेस पार्टी उसके विरोध में खड़ी होगी। राहुल गांधी जी देश के दो पूर्व प्रधानमंत्रियों के बेटे और पोते हैं, उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी जब उन्होंने देखा देश में नफरत बढ़ रही है, समाज बंट रहा है, उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की और आज झंडा फहरा कर ये दर्शाती करती है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, यात्रा की सफलता ने ये दर्शा दिया है कि कांग्रेस पार्टी ही है जो देशभक्ति की परिभाषा और देशभक्ति के प्रति अपनी विचारधारा को आगे लेकर चलती है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप सुन रहे थे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बोल रहे थे। प्रत्युष माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि लगातार कांग्रेस नेताओं के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। अब अपनी बातचीत करिए, जरा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से सवाल पूछिए। उनको राहत देने निकले हैं, बेरोजगारी को मिटाने, नफरत भरी सोच को मिटाने, महंगाई को मिटाने। बेरोजगारी की बात कुछ सही है कि आप उस मुद्दे को लेकर आगे चल रही हैं। जो सवाल हमने किया आपसे कि पहले कांग्रेस क्यों बच रही थी लाल चौक घंटा घर पर तिरंगा फहराने से और आज अचानक से तब्दीली हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को लगा कि बीजेपी से बड़ा मुद्दा बना लेगी कि आप लाल चौक जाने से क्यों डर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी किसी से नहीं डरती है। राहुल जी ने खुद कहा कि डरो मत। तो फिर जम्मू कश्मीर के प्रभारी ने पहले क्यों कहा था कि हम बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में हम नहीं जाना चाहते, हम क्यों फहराएंगे घंटा घर पर, हम अपने दफ्तर कुछ फहराएंगे? क्योंकि पहले वही तय हुआ था, अब लास्ट मोमेंट पे इन्होंने कहा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा लाल चौक इज द मेन हब, तो इसलिए ये लोग वहां से झंडा फैलाना चाह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि आपके आपके इस यात्रा में पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस सब शामिल हुई। आज जब लाल चौक पर तिरंगा फहर रहा है तो पीडीपी के नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं है, फिर प्रियंका राहुल क्यों है? क्योंकि ये यात्रा जो है प्रियंका गांधी राहुल गांधी की है, वो लोग निकले हैं भारत को जोड़ने। लेकिन प्रत्युष क्यों इतना सस्पेंस बना हुआ है? बार बार आप भी कह रहे हैं कि कंफर्मेशन नहीं है कि कल का जो कार्यक्रम है उसमें महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला शामिल होंगे। जब विपक्षी दल एकजुटता दिखा रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, तो फिर एक मंच पर साथ क्यों झंडा फहराते हुए? हर कश्मीरी को हक है खुली फिजा में जीने का, और इन्हीं लोगों की वजह से एनसी महबूबा मुफ्ती जी, इन लोगों की डर्टी पॉलिटिक्स की वजह से कश्मीरी भुगत रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ की बेटी हूँ, तेलंगाना की बहू हूँ, मैं वहाँ महासचिव हूँ मेन कांग्रेस में। जी जी, मतलब आपने आपने खुलकर ये बात कही कि उनको भी आना चाहिए। चलिए ठीक है प्रत्युष, नजर आप बनाए रखिएगा। आज की अहम तस्वीर हमने दिखा दी अपने दर्शकों को, लाल चौक से तिरंगा झंडा फहराते हुए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद थी। हालांकि कल भी एक कार्यक्रम है जब राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की ओर से झंडा फहराया जाएगा। सस्पेंस इस बात को लेकर कि क्या महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला शामिल होंगे उस कार्यक्रम में। बहराज आपका भी शुक्रिया। We'll be right back.